पावर कभी चेक की है कच्चे रास्ते में आपने? भाई साहब पावर के मामले में आपको अगर ये रेटिंग लेना चाहो ना मेरे से 10 की, तो मैं इसको 6 दूंगा। 6? हाँ, कच्चे में। कच्चे में? हाँ, ये क्या 4x4 नहीं, 4x2 है। हाँ, 4x2 है। हाँ, कच्चे में एक दो बार के मैंने ट्राई नहीं किया, मैं इंसिडेंटली फंस चुका हूँ। अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप सभी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं MG मोटर्स। तो इसको देख के सबके मन में एक बात आती है कि ये एक चाइनीज ब्रांड है। तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएं, कैसा इसका एक्सपीरियंस है, क्या प्राइस है, क्या कुछ है, इसका पूरा डिटेल में बताएं। तो वीडियो पे बने रहना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो आपको मिलवाते हैं इनके ओनर से। क्या नाम आपका? प्रदीप सिंह शेखावत। प्रदीप सिंह शेखावत। तो आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी को लिए हुए? ये ली थी हमने 28 जून को। 28 जून को? तो लगभग 5-6 महीने हो गए। तो अभी तक आपने कितना चला दिया गाड़ी को? ये 22,000 के लगभग चल गए। 22,000? तो काफी ज्यादा रनिंग है इनकी। तो क्या काम करते हो आप? अपना ट्रांसपोर्ट का काम है गुजरात गांधीधाम में। अच्छा अच्छा हाँ, गुजरात नंबर गाड़ी है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपको गाड़ी इसका? एक तो पहले बताओ, इस अच्छा क्या लगा आपको इस गाड़ी के बारे में? अच्छा भाई साहब, एक तो इसका लुक लगा। अच्छा। और मैं जब स्टार्टिंग में गाड़ी लेने गया था, ये ली थी फादर साहब की एनिवर्सरी पे। अच्छा। 30 जून को है उनके एनिवर्सरी। हाँ जी। तो मैं पहले किया सेल्टोस देखने गया था। हाँ जी। किया सेल्टोस देखने गए, तब एक फ्रेंड था उसको भी लेनी थी, दोनों किया देखने गए थे। उसने कहा कि चलो एक और ट्राई करते हैं। अच्छा। उसके पहले मेरे को नॉलेज नहीं था इस गाड़ी का। हाँ हाँ। तो उसने कहा कि चलो वहाँ पे ट्राई करते हैं। मैंने देखा हुआ था पहले, जाके देखा तो इसके सबसे पहले तो ये स्क्रीन है। हाँ, मेरे हिसाब से इंडिया में किसी गाड़ी में नहीं है। हाँ, इस एवरेज गाड़ी में। हाँ, ठीक है। दूसरा फिर इसके म्यूजिक सिस्टम। हाँ, म्यूजिक। तीसरा इसका सीट। चौथा कंफर्टेबल। वेंटिलेटेड सीट होगी। हाँ, वेंटिलेटेड सीट है। सॉरी, तो इसका कितने की पड़ी थी आपको? ये मेरे को पड़ी साहब 25 लाख रुपए में, कोई 5-10 हज़ार कम ज्यादा होते हैं। पच्चीस के लगभग मान के चलो। बेसिकली गुजरात में रहता हूँ इसलिए गुजरात नंबर लिया, वहीं से ली हुई है। अच्छा, वहीं से लिया। तो सेल्टोस का और इसका प्राइस का डिफरेंस रहता है, तो वो मैनेज कैसे किया? प्राइस का डिफरेंस था उसमें 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए? तो वो भी टॉप मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल है। अच्छा, तो 4 लाख रुपए में मेरे को बहुत ज्यादा बेहतर लग रहा था फीचर, क्योंकि इसको बोलते हैं चाइनीज ब्रांड बोलते हैं। वैसे चाइनीज कहने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक है। सॉरी, टोटल ऑटोमेटिक होने के बाद यूँ है कि अपना क्या है, इंडिया जुगाड़ पे है। हाँ, जुगाड़ पे। अगर मेरे को ये उतर गया ना। हाँ। यार ये कंपनी ने गलत लगा दिया। जी। बात ऐसी नहीं है, अपने उसको मेंटेन रखेंगे ना सब सही रहेगा। हाँ। सर्विस टाइम टू टाइम सर्विस और टाइम टू टाइम चेकअप होता रहना, कुछ नहीं इसका। तो अभी गाड़ी आपकी माइलेज क्या देती है? माइलेज भाई साहब, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जैसे ली थी 28 तारीख को शाम को डिलीवरी हुई थी, दोपहर में हुई थी बट शाम तक ये फ्री हुई थी एसेसरी लगवा के। तो 29 तारीख को सुबह मैं रवाना हो गया था गांधीधाम से। यहाँ से गांधीधाम का 1100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टाइम मैं शोरूम से निकलते ही इसने मेरे को 15-16 की एवरेज दी थी। 15-16 की? हाँ। तो डीजल में है? डीजल में है। फिर भी काफी ज्यादा माइलेज है इसकी। हाँ, अभी इसकी 18 की है। 18 की? हाँ। तो इतनी मतलब लग्जरी गाड़ी हो कि इतना जो बोलते हैं, क्योंकि अलग है, कौन सी भी गाड़ी देख लो, इससे अलग है। मैंने XUV700 भी देखा है, तो वो गाड़ी देती है माइलेज पेट्रोल में देती है 6-7 की। मेरे को भी यही फीडबैक मिला था, ये पेट्रोल में भी आती है। हाँ। पेट्रोल में ऑटोमेटिक है। जी। अगर आपने ये, मैं स्टार्टिंग में लेने गया था, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ओनली पेट्रोल है। हाँ। ठीक है, पेट्रोल है। हाँ। और इससे 1.5 लाख रुपए सस्ती है वो। हाँ, पेट्रोल सस्ती है। हाँ, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है, और इससे 1.5 लाख रुपए सस्ती है। फिर मैंने कहा भाई डीजल में दिखाओ। डीजल में ये 5 सीटर भी है, 6 सीटर भी है, 7 सीटर भी है। तीनों की लेंथ, साइज सब चीज सेम है, बस सीट का डिफरेंस है। सीट का डिफरेंस है, क्योंकि उसमें कनेक्टेड आ जाती है बीच में। बस वो सीट का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने कहा अगर सब चीज सेम हो रही है तो आपने 2 सीट का क्यों नुकसान किया? वही तो है, क्योंकि सीट अगर कम रहेगी फिर बंदे कम आएंगे। हाँ, बंदे, अभी मैं जैसे 5 सीट रखता हूँ इसको। हाँ, अगर मेरे को जरूरत है तो मैं 7 बना सकता हूँ। हाँ, लेकिन 5 को 7 नहीं कर सकता। हाँ, 5 को 7 ये भी 5 सीटर कर रखी है। हाँ, मैंने। तो अभी ये कौन सी है? 7 सीटर है ये। 7 सीटर है। 7 सीटर है। हाँ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। मेरे लिए बेस्ट, थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी है, हर एक चीज है ना परफेक्ट नहीं होती। हाँ जी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी गाड़ी वैसे बढ़िया बता रहे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ये अभी तक गाड़ी को चलने में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। मैं 1100 किलोमीटर में भाई साहब 2 स्टॉपेज करता हूँ। दो स्टॉपेज? हाँ,
कंटिन्यू चलता हूँ, आने के बाद ये फील नहीं होता कि मैं रेस्ट करूँ, आराम से बैठ के आना, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टेबल ऑटोमेटिक सीट है सारी। तो दोस्तों इसके अब एक जो पॉजिटिव पॉइंट आपको बता दिए, नेगेटिव के बारे में पूरा आपको बताएंगे कि क्या इसके नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रनिंग है इनकी, क्योंकि 5-6 महीने में 20-22 हज़ार किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है। तो नेगेटिव पॉइंट भी कुछ होते हैं, कोई भी गाड़ी हो जाए पूरी पॉजिटिव पॉइंट नहीं होते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी बताओ कुछ से कि क्या नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसको जैसे आपने नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं ना, स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, हाँ हाँ छोटी गाड़ी है, वो चलाने के बाद अगर ये चलाएंगे तो इसमें एक तो गियर का ध्यान रखना पड़ता है। अपने स्पीड तो रखते हैं 50-60 की, ये 6 गियर में है, 6 गियर ठीक है, और 60-70 की स्पीड में छठा गियर लेके चलेंगे तो इसमें थोड़े टाइम के बाद कार्बन जम जाएगा, उससे आता है एरर, एरर आने के बाद आपको कंपनी के अलावा कहीं से नहीं हटेगा वो, ठीक है, और जब तक एरर ना हटेगा तब तक गाड़ी दबेगी, 100 से ज्यादा नहीं चढ़ेगी गाड़ी, ठीक है, और डीजल ज्यादा खाएगी। वो तो ही, क्योंकि वो कार्बन जमेगा तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है सिस्टम सारा, वो है ना, वो कंपनी के अलावा कंप्यूटर लगा के ही हटाना पड़ता है उसको। दूसरा इसका क्या है कि आपने नेगेटिव ही नहीं कह सकते, पॉजिटिव ही नहीं कह सकते, इसमें मैंने यहाँ पे ये फुटरेस्ट लगवाए थे, ठीक है, फुटरेस्ट आते तो नहीं है, नहीं आते नहीं, एक्सेसरी में लगवाए थे, एक्सेसरी में लगवाने के बाद क्या होता है जैसे गाड़ी थोड़ी सी नीचे होगी, ये मैंने चेंज करवाए हुए क्रोम, ये यहाँ से लेके इतना, ये जो हाफ क्रोम है ना, ये एक गेट का, ये मेरा गिरा था तब मैंने लगाया, इसमें 9,800 रुपए का आया था, ये सिंगल क्रोम, मतलब इसके पार्ट महंगे हैं। हाँ, पार्ट तो काफी ज्यादा महंगे हैं, गाड़ी सस्ती है, पार्ट ज्यादा महंगे हैं। अभी अपने गोवा मेडी में है, भादरा तहसील में, इसमें नजदीक से नजदीक सर्विस स्टेशन है हिसार, हिसार भी पार करके तलवंडी के पास है, सर्विस स्टेशन कम है, सर्विस स्टेशन कम है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट है, अब जैसे आपने ट्रक आ रहे हैं भारत बेंज, ठीक है, ज्यादा चलाने में है, लेकिन उसके भी सर्विस स्टेशन कम है, सर्विस स्टेशन कम है, पार्ट भी काफी ज्यादा महंगे हैं, नई गाड़ी आएगी पार्ट महंगे आएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक दे रखे सारा। तीसरा फिर इसका क्या हुआ, पीछे वाला लुक है ना, इसको अगर थोड़ा सा बार और रखते ना तो और ज्यादा अच्छी लगती गाड़ी, फ्रंट में गाड़ी लगती है बिल्कुल आपको लग्जरी, पीछे से देखने के बाद ये होता है थोड़ा सा, अगर इसको और मॉडिफाई करते ना भाई, ये साइज, ये जो शीशा यूं डाल में दे रखा है, ये थोड़ा सा प्लेन उभरा होता है ना खड़ा शीशा, अच्छा लुक आता है इसके गाड़ी का। हाँ, लुक वाइज अगर बात करें तो, और कुछ चौथा पॉइंट इसका टायर, टायर कितने इंच का है, टायर 18 इंची है, 18 इंच का है, लेकिन हमने 3 गाड़ियां निकलवाई थी इसके साथ की, दो तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक भाई साहब ने और भी इसको देखने के बाद तैयार हुए थे, फिर उसके में 3 में से 2 गाड़ियों में एक ही एक्सीडेंट हो गया था, इधर आइए, इधर आओ ड्राइवर साइड, ये दोनों टायर मैंने चेंज करवाए, नए टायर है दोनों, उधर वाले तो कंपनी के साथ के, ये दोनों नए हैं, और नए का रीजन क्या हुआ, जंप खाया गाड़ी में तो एक तो ये आगे वाला टायर फट गया, पीछे वाले में बबलिंग आ गई, यही एक्सीडेंट उसके साथ हुआ, अच्छा, उसके भी ये दोनों सेम टायर फटे, इसमें क्या गुडियर कंपनी के है, इसकी नहीं है ज्यादा मार्केट वैल्यू नहीं है इसकी, क्वालिटी के चेक से अभी देखते हैं, MRF है, सीएट लगभग चलता है, सीएट गुडियर ने क्या टाइप कर रखा है हर कंपनी के साथ, वैसे अगर आप नॉर्मल टायर लेना चाहोगे, अब अगर मेरे को इसमें टायर लेने होंगे ना, मैं गुडियर के नहीं लूंगा, या तो योकोमा या ब्रिजस्टोन, ये दो बेस्ट है, अगर ये टायर चेंज हो ना बढ़िया क्वालिटी के हो तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते हैं, कोई भी गाड़ी देख लो चाहे, अगर मैं हाईवे पे, मेरा क्या लगभग सफर हाईवे का है, अगर हाईवे पे मेरे को ये नुकसान हो जाए मैं किसके पास लगूं, अभी भारतमाला चालू होगी अपनी, भारतमाला पे अगर ये दिक्कत आ जाए मैं किसके पास जाऊं, आसपास कुछ मार्केट ही नहीं है, ये आप अगर वहाँ से पल्लू से चढ़ोगे ना तो गांधीधाम तक आपको ये पता नहीं चलेगा आप कहाँ से निकल रहे हो, ना तो गांव पता चलता था ना सिटी, बोर्ड देख के पता था ये सिटी आ गई है, ये इतना किलोमीटर है मतलब इसके आसपास जा रहे हैं अपने, वहाँ पे ये दिक्कत आई, पंचर भी हो जाए, क्वालिटी डाउन है इसकी थोड़ी, क्वालिटी कुछ कुछ पार्ट में डाउन है इसकी। स्पेस काफी अच्छा है अंदर से, काफी अच्छा है, देखो धूल मिट्टी तो है, धूल मिट्टी तो रहती है, ये साफ नहीं है गाड़ी के, कल परसों जाके मैं शाम को आया था, तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट है, ये सब इलेक्ट्रिक है, ये वेंटिलेटेड सीट है, आराम से वहाँ पे स्विच दे रखे हैं सबके, हाँ जी, टोटल स्विच यहाँ पे है, मॉनिटर कर सकते हैं अपने आराम से, ठीक है, ये अपने ड्राइवर सीट के लिए, वो कंडक्टर सीट के लिए आ गया, ठीक है, इंडिकेटर वाला सिस्टम आ गया, ये अपने यहीं से एसी फुल कर सकते हैं, यहाँ से अपने जो रियर एसी है पीछे 7 सीटर के लिए वो चालू कर सकते हैं, ये पार्किंग हैंड ब्रेक का सिस्टम आ गया,
पार्किंग का मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक भी रहता है साथ में? हाँ हाँ दोनों है, मैनुअल और इलेक्ट्रिक। ये आपने जो शीशे वगैरह सेट करने के लिए, लाइट के लिए है। इसमें सबसे अच्छी चीज है भाई सब स्क्रीन, स्क्रीन है ये शायद घूमती नहीं, 14 इंच नहीं घूमती नहीं है, घूमती नहीं है ये फिर से शायद अभी जो टॉप मॉडल है उसमें घूमती नहीं, ये टॉप मॉडल ही है नहीं। हाँ एमजी के अंदर नहीं घूमती, ये ओडी बीएमडब्ल्यू के अंदर, उनमें अगर जो बड़े ब्रांड आते हैं ना, हाँ जी उसमें ये रोटेड है, ये रोटेड नहीं है, तो रोटेड नहीं है। काफी बड़ी स्क्रीन है देख सकते हैं, 14 इंच की स्क्रीन है। एक सेकंड इसको ऑन करके दिखाना, ये देख सकते हैं। वेदर इज पार्टली सनी 15.6 डिग्रीज, ये मौसम आपको सारा बताएगा, ये देख सकते हैं मौसम के बारे में, एंजॉय योरसेल्फ, लोकेशन भी बताएगा कहां पे गाड़ी है और लोकेशन पूरा आपको बताएगा। और इसके 21,820 चल चुकी है अभी तक, 21,000 ये देख सकते हैं 21,820 किलोमीटर। और इसमें पूरा जो टायर मॉनिटरिंग पूरा सिस्टम दिखाता है स्क्रीन के अंदर। सीट पे बैठो मैं बताता हूं, एक मिनट उस साइड जाता हूं, इस साइड आओ। ये अपने को देर से ये सिस्टम है ना सिंपल, हाँ जी इसमें सारी चीज आती है। ये सनरूफ है, हाँ सनरूफ आप कितना खोलना चाहते हो, 20% 30% 40% जितना आप यहाँ से पैनोरामिक सनरूफ है उतना ही खुलेगा ये, जितना आप ओके करोगे 30% ही खुलेगा, उसके बाद रुक जाएगा ये, ये रुक गया 30% पे, हाँ 30% ये देख सकते हैं आप, ये 40% है। अब इसको अगर अपने 20% खोलना तो ये 20% ही बंद होगा, पूरा बंद नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफी फीचर के मामले में ये काफी अच्छी गाड़ी है। और अगर अपने ओनली ये वेंट खोलना चाहे तो ये वेंट ये बंद हो जाएगा, अब इसके लिए वेंटिलेटेड मतलब ये, अभी अगर कोई स्मोकिंग करना चाहे उसके हाँ, लिए स्पेशल है ये, हाँ जी हाँ जी। और ओपन पूरा ओपन करना चाहे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, इसी देख सकते हैं। ये अपने स्क्रीन पे भी दे रखा है और यहाँ भी फंक्शन दे रखा है इसके। और शायद इसमें जो वो भी फीचर है बोलने पे ओपन होती है, असिस्टेंट है ये, असिस्टेंट असिस्टेंट है इसमें। अब ये लैंप वगैरह के लिए जैसे आपने कोई कितना ऑफ करना है, फॉलो मी एट होम, ये जैसे अपने गाड़ी खड़ी करके चलते लॉक करेंगे ना, लॉक करेंगे तो ये 30 सेकंड तक अपने को फॉलो करेगी भी, हाँ 30 सेकंड चालू रहेगी, हाँ चालू रहेगी। घर के सामने खड़ी है तो घर के मतलब रोशनी देगी आपको, 50 सेकंड करे 75 सेकंड करे या ऑफ करना चाहे तो ऑफ हो जाएगी, हाँ जी ये चालू नहीं होगी। उसके बाद ये के लाइट से जो है ये वाली, हाँ एम्बियंट लाइट, हाँ एम्बियंट लाइट बोलते हैं इसको, ये अभी चालू है। ये कौन से कलर में करना चाहिए, फिक्सेबल कलर है तो ये फिक्सेबल, बाकी अपने मैंने रेंडम करके सभी कलर चालू होते हैं। और इसका टाइम पीरियड भी चेंज होने का टाइम कितना है उस हिसाब से, डोर के अंदर नहीं है ना, नहीं डोर के अंदर नहीं है, ये सामने और नीचे लेग रूम में, अच्छा सिर्फ दो आगे आगे, हाँ। तीसरा ये विंडो के लिए, विंडो का अपने पावर विंडो डाउन बाय रिमोट की, हाँ रिमोट ठीक है ये ओके कर रखा है, जैसे कि अपने अभी गर्मियों का टाइम आएगा, अभी ठंड में जरूरत नहीं है, गर्मियों में गाड़ी में गैस भरती है, हाँ गैस भरती है, तो अगर मैं ये अनलॉक का बटन प्रेस करके रखूंगा तो ये सारे तो विंडो नीचे हो जाएंगे, सनरूफ खुल जाएगा, अच्छा क्योंकि गैस है वो बाहर निकल जाएगी मेरे आने तक, हाँ पूरा जो गर्म रहती है गाड़ी वो थोड़ा ठंड। और ऑटोमेटिक के अंदर क्या सिस्टम है कि अगर इसमें एक फंक्शन है उसके अंदर अपने चाबी से स्टार्ट भी कर सकते गाड़ी को, हाँ चाबी से उसको प्रेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो एडास में आती है, अच्छा इसमें एडास, ये एडास नहीं है, एडास नहीं वो एडास में आते, एडास की जरूरत नहीं है अपने को, हाँ अपने को इंडिया में जरूरत नहीं है इसके भरोसे चलो, अभी इस पे एडास काम नहीं करेगा, वो व्हाइट लाइन पे काम करता है, व्हाइट लाइन होगी वो भी प्रॉपरली तब होगा। ये लॉक का सिस्टम है भाई, अपने रिमोट की से अपने ओनली ड्राइवर लॉक करना है या ऑल लॉक करने है इसके लिए, ठीक है। ये टेल लाइट, ये पीछे टेल गेट के लिए, ये साइड मिरर का, हाँ साइड मिरर, ये वाइपर का, वाइपर भी इसमें ऑटोमेटिक है, इसके पीछे एक सेंसर दिया हुआ है, हाँ, अगर आपके बारिश चालू हो तो ऑटोमेटिक वाइपर चालू हो जाएंगे, रेन सेंसर है, हाँ ये वायरलेस फोन चार्जिंग का है, हाँ वायरलेस का, आपने चेक किया है कभी? नहीं मेरा ये दोनों आईफोन ही है, अच्छा, इसी अच्छा, में चार्ज होते हैं। एक सेकंड ये चालू है, हाँ चालू है अभी, ये देख सकते हैं ऊपर की साइड, और ये हो गया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, हाँ टायर प्रेशर, तो अगर आपने चलती गाड़ी में भी हवा कम हो जाएगी तो यहाँ मॉनिटरिंग हो जाएगा इसका, ये सिंबल आ जाएगा भी आपके टायर की हवा कम है, जो भी है वो टायर जो भी है दिखा, हाँ, देगा, वो दिखा देगा। इसका अच्छी चीज ये भी, इसका म्यूजिक सिस्टम है जियो साउंड, इसके अंदर एक सिम कार्ड है जियो का, हाँ जियो जो इसके अंदर जो 20 साल के साथ रिचार्ज होता है, 4G कनेक्टेड है, हाँ आप जो
इसके अंदर जो मैंने ज्यादा सुनता हूँ वो लिस्ट आ गई। हाँ। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ से। बटन कोई नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा नेगेटिव ही है और चलती गाड़ी में दिक्कत आती। हाँ, चलती गाड़ी में दिक्कत आती। और इसका लेग वगैरह कैसा रहता है, टच रिस्पॉन्स कैसा है? टच रिस्पॉन्स बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ है। हाँ, तो पहले शायद थोड़ा लेग था इसके अंदर जो पुराने मॉडल थे। देखो पुराने की नॉलेज नहीं है मेरे पास। हाँ। नहीं थी पुराना मॉडल, ये अभी लिए है मेरे पास। पहले इससे पहले के वॉक्सवैगन वेंटो थी। हाँ। उसके बाद मैं ब्लेनो लेके आया। ब्लेनो मेरी अभी हनुमानगढ़ गई हुई है। अच्छा। ये दोनों सेम नंबर है, जीजे 12 FD42W इसका है और उसका FB42W है। अच्छा अच्छा। दोनों वो वॉक्सवैगन अभी के वेंटो पापा के पास है। हाँ। तीन गाड़ी है, तीनों गुजरात नंबर ही है। अच्छा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये भी मैंने इसलिए लिया भाई साहब, मेरे माइंड में क्या थोड़ा सा भी आप शरारत समझ लो या कुछ, और मैं थोड़ा सा अलग होकर चलता हूँ। मेरे से पहले मेरे अंकल के बड़े पापा के जो लड़के हैं ना, मेरे से बड़े, वो सब सरकारी नौकरी में है। लेकिन मैंने कहा सरकारी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि दिमाग में ये खुरापा था अलग ही होकर चलो। बस यही मेरे मन में है। अलग होकर चलो बस। पढ़ाई शुरू से मेरे मन में नहीं थी पढ़ना। पढ़ाई की थी, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद की सरकारी नौकरी नहीं ले सारे। अभी क्या, ये जब मैं गाड़ी लेके आया तो पापा के लिए सरप्राइज था ये। पापा को नहीं पता था कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ। पता होता तो वही सरकारी आदमी है, थोड़े से रोक टोक करते हैं। हाँ। ठीक है, उनको जब सरप्राइज दिया, साथ में मेरे मतलब जीजा साहब भी गए थे, वो बड़े भाई साहब थे, एक गौरव मित्तल जी अपने बहुत खास मित्र है। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन का काम है उनका भी। तब हम जब थाने में पहुंचे तो फादर साहब अपने ऑफिस में बैठे थे, सूरतगढ़ में ड्यूटी है, ऐसे ही है। अच्छा। बिरजू सिंह जी से कहा होता। अच्छा। तो उनके पास वो सरप्राइज होगी आज क्यों आई एक साथ सब। उनको ये नहीं पता मैं पहले पहुंचा नहीं रूम में, ऑफिस में सब जाने के बाद मैं अंदर से गया। अच्छा तुम भी आयो। उस दिन थी एनिवर्सरी जी, 28 को मैंने गाड़ी ली जून को, 29 को मैं वहां से रवाना हुआ और 30 तारीख को सुबह 5 बजे मैं हनुमानगढ़ पहुंचा। वो 5 बजे के बाद वहां पे लगभग 1:30 बजे हमें सूरतगढ़ थाने में पहुंचे। वहां पे फादर साहब ने देखा आज क्यों। पहले तो मेरे का भांजा भी साथ में था, जीजो साहब भी थे, फ्रेंड भी थे, उनको देखा तो सोचा ये कोई घूमने आए होंगे, इधर से निकल रहे होंगे। उसके बाद जब मैं गया तो उन्होंने सोचा कोई क्या गड़बड़ क्या दिक्कत होगी अगर कोई। हाँ। पुलिस वाले दिमाग में पहले तो ये कोई दिक्कत होगी। हाँ। तो फिर भी चाय नाश्ता किया थोड़ा सा, उसके बाद पापा एक बार थोड़ा सा बाहर आओ। हाँ। बाहर क्या काम है, एक बार आओ। तो जब ये गाड़ी देखी तब अब उनको ये समझ में नहीं आया खुश हो या गुस्सा करे। हाँ। गुस्सा क्यों करे, कभी बेटे ने गाड़ी गिफ्ट की है और खुश क्यों, का खर्चा भी हो रहा है, टेंशन दोनों रहती है उनको, बहुत कम खर्चा करते हैं। उसके बाद गाड़ी में पापा ने खुद ने एक्सपीरियंस लिया था कि ठीक है। उनको क्या है थोड़ा सा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। अच्छा। कमर में थोड़ा सा दर्द है। उन्होंने थोड़ा बहुत पहले ही बोला था थोड़ी सी हाइट की गाड़ी हो ना। हाँ। तब सही रहे, नीचे गाड़ी में बैठने और उठने में दिक्कत। हाँ। अंदर बैठने के बाद से कोई सी भी गाड़ी हो। हाँ। दिक्कत कब आती है, जब बुजुर्ग अंदर बैठे और वापिस उतरे। हाँ, नीचे गाड़ी जैसे अल्टो रहती है। हाँ, नीचे रहती है जो नीचे, उसके लिए मैंने ये स्पेशली हाइट के लिए गाड़ी ली है। फिर 7 सीटर इसलिए लिए, हमारी फैमिली में हम 6 मेंबर है। अगर जाना हो तो 5 सीटर में छठे आदमी के लिए गाड़ी दूसरी करनी पड़ती है। दूसरी करनी पड़ती है। हमारे पास पहले 2 गाड़ी थी वो 5 सीटर है। और अब 7 सीटर इसलिए लिए, अगर जाना चाहे तो एक साथ बैठ के जा सकते हैं। घर में हम तीन, अब 2 भाई हम, फादर साहब तीनों चलाने वाले हैं, जो मर्जी चला लो, चलिए बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा फिर सबसे अच्छा मेरे को इसका म्यूजिक सिस्टम लगा था। मैं हकीकत में बताऊं, स्क्रीन और म्यूजिक सिस्टम पे मैंने पैसे लगा दिए। स्क्रीन पे मैंने उस दिन भी देखा था, काफी मतलब अच्छी लगती है देखने। हाँ, से ये क्या एक यूनिक चीज है। हाँ, यूनिक है, इसके अंदर कोई भी गाड़ी में आती नहीं है इतनी बड़ी। 6 साल के बच्चे से लेके 60 साल के बुजुर्ग तक अगर जो भी गाड़ी पे देखता ना इसको फर्स्ट टाइम में, इनकी नजर जाती स्क्रीन पे। भी क्या बात है, अलग से टीवी लगा रखा है। हाँ। 14 इंच की स्क्रीन है। ये भी नहीं है कि साइज पूरा दे रखा और हाफ काम करती है, ये काम भी पूरा करती है। पूरा करती है। हाँ। और साउंड वगैरह कैसा है इसका? साउंड वैसे बढ़िया अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, तो अच्छा है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा तो यूँ हो के बिल्कुल क्लियर। इसके 100 पे आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, 95 पे बिल्कुल क्लियर है। जैसे अपने आप कोई भी कोई सॉन्ग चला के दिखा दे, ये तो गुजरात राजस्थानी है, ये थोड़ा सा साउंड का सिस्टम, साउंड वाले में पता चलेगा। ये वीडियो नहीं है ना, ओनली ऑडियो। इसमें जैसे अगर अपने फंक्शन देखना चाहे, अलग अलग फंक्शन भी दे रखे इसमें, ये रेडियो का, ब्लूटूथ, फोन सेटिंग, फोल्डर, मीडिया, ये मीडिया आ गया। बीच में एक सीन ये चल गया, ये मोबाइल जुड़ा हुआ था।
ये मीडिया आ गया, जियो साउंड वगैरह आ गया, ब्लूटूथ म्यूजिक, अगर मोबाइल जुड़ा हो ब्लूटूथ में ओके करना पड़ता है कॉन्टेक्ट वगैरह, ये यूएसबी से है, ये जियो साउंड है जो कंपनी फिटेड है, ठीक है। उसके बाद ये एसी का आ गया, अपने नीचे भी दे रखे ये फंक्शन सारे, मेन्यू में भी दे रखे हैं, वो मोबाइल वाली बात है, ये व्हीकल सेटिंग है, ये रही यहाँ पे, और उसके बाद डिवाइस मैनेज है, ये जो आपने ब्लूटूथ से जोड़ना चाहे तो, ये जियो साउंड आ गया, ये पार्क प्लस का, ये फास्टैग के आते हैं ऑप्शन, ठीक है, एम जी पे वगैरह सब चीजें इसके अंदर। सबसे अच्छा क्या है, अपने कहीं भी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई हो, हाँ जी, अब अपने फर्स्ट क्या दिमाग में आएगा, मिस्त्री कहाँ आएगा, मिस्त्री, हाँ। मिस्त्री नहीं मिलेगा नहीं। अब इसी आपने ये चारों तरफ भैंसों दिखा दो, थोड़ा सा ये खेत में है, हाँ। खेत में मिस्त्री नहीं मिलेगा कोई आपको, नहीं मिलेगा। इसके अंदर इसने क्या दे रखा है, आप कहीं भी ऑल इंडिया के अंदर हो उसके लिए एक आई कॉल है इसके अंदर, आई कॉल ये आई कॉल, ये 24/7 काम करता है, इस पे आप ओके करोगे ना, ये आगे मैसेज जाएगा उनके पास, उसके बाद एक रिटर्न कॉल आता है, दिस मैसेज रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, प्लीज वेट फॉर एमडी प्लस, ये भी मैसेज उनके पास पहुंच गया कॉल, उन्होंने भी मैसेज आपने को रिवर्स मैसेज कर दिया कि आपका मैसेज पहुंच गया, अभी कॉल आएगा, अच्छा कंपनी की तरफ से आपको क्या दिक्कत आई है, हाँ, तो इसकी सर्विस काफी अच्छी है, हाँ सर्विस अच्छी है, हाँ अगर अपने को सर्विस करानी हो, ऑयल सर्विस वगैरह उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, भी हर एक 100% आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। अगर अपने चाहे ना, भी ये कॉल आ गया, वो कॉल आ गया, ये कंपनी का कॉल है, रिटर्न कॉल, आई कॉल, अभी सुनाना भाई साहब, थोड़ा हेलो, यस मैम, ये थोड़ा सा चेकअप के लिए चल रहा था, ये बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं एमजी में अपना समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ओके मैम थैंक यू। मैं उनको थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, हाँ, आपको समझाने के लिए, हाँ, हाँ। वैसे सर्विस काफी मतलब हैंड टू हैंड सर्विस, अगर मैं इनको ये बोलता कि यहाँ पे मेरे को ये दिक्कत है, ये फर्स्ट तो ये अपने को आसपास लोकेशन देख के बताते कि एमजी का कोई सर्विस स्टेशन है, हाँ। क्या, और अगर सर्विस स्टेशन नहीं हो तो ये अपने को यहाँ पे बंदा मैनेज करवाएंगे, हाँ। अगर गाड़ी ले जानी है तो वैन भी मैनेज, बिल्कुल सब टॉय करके ले जानी है तो टॉय करके लेके जाएंगे, वो सब उनका खर्चा है, अच्छा उनका ही खर्चा, हाँ, वो भी उनका, ये मेरे साथ डील हुई थी जो भी है, हाँ। अब मेरे को ये नहीं पता कि हर एक गाड़ी के साथ देते नहीं देते, अच्छा। मैंने यही है ना, वहाँ पे जो लेटर पैड पे लिखा हुआ है, जैसे बिलिंग में मैंने ये कहा था, अगर बाय चांस मेरे को भी, मेरे लिए फर्स्ट है, हाँ जी ठीक है, मेरे मामा जी के लड़के हैं, मामोसा के चैनपुरा बड़ा से, हाँ। सिद्धमुख के पास है जो, हाँ। उन्होंने ये गाड़ी ली थी एमजी हेक्टर इनसाइड, इंटरनेट इनसाइड जो पहले वाला मॉडल था, उनकी गाड़ी खराब हुई, वो जयपुर तक का खर्चा जेब से लगा था, ठीक है। मेरे को उसी के नेगेटिव पॉइंट की वजह से काफी लोगों ने कहा यार गाड़ी लिए तो थोड़ा पूछ के ले लेता, हाँ। मैंने कहा भाई साहब अगर अपने कोई ऊंट भी लेना तो कोई बीमार हो के मर जाए ना, हाँ। तो ऊंट लेना नहीं छोड़ सकते, नहीं नहीं वो तो गाड़ी मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट तो रहते हैं, हर एक गाड़ी में रहते हैं, एल्टो में रहते हैं, कोई भी देख लो, i20 में रहते हैं, ब्लेनो में रहते हैं, ब्रेजा में रहते हैं, सुजुकी हो चाहे कोई हो, भी गाड़ी हो, सब में रहते हैं, हर एक एक गाड़ी के लिए अपने 100 गाड़ियों को खराब नहीं कर सकते, नहीं, नहीं। ये हमने 3 गाड़ी लिया, हाँ टायर का मैंने आपको बताया था, टायर में दिक्कत रहती है, दिक्कत रहती है, ठीक है, हमारे और सेम वही दिक्कत रहती है दोनों गाड़ियों में, दोनों में, हाँ। उसके अलावा ना तो उनके पास कोई दिक्कत है, हाँ। ना मेरे पास कोई दिक्कत है गाड़ी के रिलेटेड, हाँ गाड़ियों में कोई भी रहता है कि अगर ये गाड़ी सेम है किसी बंदे के पास है वो बोलेगा कोई मतलब है ही नहीं कुछ भी गाड़ी में, नहीं नहीं भाई साहब, हाँ, मैं तो ये कहूंगा गाड़ी, हाँ, वही रहता है ना, कोई कोई मतलब डिफेक्टिव पीस निकल जाता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, हाँ, भाई साहब अगर अपने अगर कोई कुम्हार मटके भी बनाए ना, हाँ, 10 मटके भी बनाए, 10 में से 10 परफेक्ट नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, एक में तो या तो चीर रहेगी या मोच हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, एक पीस तो खराब बनेगा ही बनेगा, वो तो हाथ से बना रहा है, ये तो मशीनरी बनवा रही है, दिक्कत रहने को रह सकती है, दिक्कत रह सकती है, हाँ बढ़िया। इसके अंदर आर्मरेस्ट बढ़िया है, स्पेस कितना है इसके अंदर, स्पेस जो नॉर्मल आता है वही है, नॉर्मल स्पेस है, ठीक है, अपने जो रखना चाहिए अगर एक एक दो कैन ठंडे का कैन वगैरह रखने चाहिए इसमें, ये अपने को चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ जो 12 वोल्ट का है, और कोल्ड स्टोर है इसके अंदर, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अच्छा। कोल्ड स्टोरेज जो एडास में है ना, हाँ, एडास सॉरी इसका अंदर है,
एमजी का वो ग्लोस्टर, ग्लोस्टर, ग्लोस्टर में, ग्लोस्टर के अंदर भाई साहब प्राइस 45 से 50 लाख है सर। नहीं 45 ओनली 45 है हाँ, 44 से 45 लाख के बीच में है, 5-10 हजार का ऊपर नीचे का फर्क है। फीचर काफी ज्यादा है इसमें। उसमें क्या है, ये ड्राइवर सीट मसाज की है, उसमें मसाज होगा आपको, मसाज होता है हाँ, ड्राइवर परेशान नहीं होगा। इसके अंदर एक है ये अपने, ये दो सीटें छोड़ के पूरा पीछे बेड बन सकता है। हाँ। अगर मैं अकेला चाहूँ या अपने दोनों घूमने जाए ना, अगर रूम की अगर अवेलेबल नहीं हो, कई जगह ऐसी होती है, अपने गोगामेड़ी मेले के अंदर आ जाओ, होटल में रूम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहाँ पे ये है पूरा बेड बन जाएगा पीछे। तो बेड बना के देख सकते, बिल्कुल अभी दिखा सकते हैं आपको। उधर से सीट आगे करनी पड़ेगी, सीट थोड़ा आगे कर देते हैं, अब बेड के लिए थोड़ा स्पेस भी चाहिए ना। एक से इधर होगा सब, फंक्शन भी दिखा दो कहाँ से बनेगा ये जो ग्रिप दे रखी है ना, वे इसको खींच के अपने ऊपर उठा सकते हैं आराम से। ये आगे सॉरी फ्रंट में आएगी, ये उठ गया यहाँ से, इसको यहाँ लगा दो, इसको प्रेस करके थोड़ा सा नीचे कर दो, ये हो गया इधर से। मेरे हिसाब से दो आदमी इसके अंदर आराम से सो सकते हैं, आप देख सकते हो। छोटा मोटा अगर गद्दा रहता है तो हाँ, गद्दा बिछाना पड़ेगा, वो गद्दा बिछा के आराम से आप रेस्ट करते हो। इसके अंदर आप जो मर्जी सामान देख सकते, सकते हो, काफी ज्यादा इसके अंदर है, क्योंकि इस गाड़ी का अगर प्राइस देखते हैं, प्राइस देख के इतने फीचर दे दिए, कोई मतलब 55-60 लाख हाँ, फॉर्चुनर में नहीं, फॉर्चुनर में कुछ भी नहीं है फीचर है हाँ, कुछ भी। फॉर्चुनर का क्या राजनीतिक गाड़ी है, वो नाम चल गया उसका, नाम चलता है उसका, फीचर है फीचर। अगर ग्लोस्टर भी देखें, ग्लोस्टर के अंदर काफी ज्यादा फीचर हाँ, एमजी फीचर दे रही है, फीचर में ही पैसा है उसका हाँ। अगर कोई सोचते हैं इतनी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी ली है, स्कॉर्पियो भी ले सकते हैं, स्कॉर्पियो में आप मेरे को ये फंक्शन दिखा दो, नहीं है स्कॉर्पियो में भी अगर हो तो, नहीं है नहीं है, इतना स्पेस भी नहीं रहेगा शायद, नहीं मेरे को कहा भी था या तो थार ले लेते, स्कॉर्पियो ले लेते, मैं भाई सब एमजी में क्या दिक्कत है, मैंने लिया तो पीछे अगर दो सवारी हो तो आराम से यूज कर सकते हैं, ग्लास वगैरह होल्डर हो। ये वापिस सीट होगी तो स्पेस भी देख सकते हैं, और बीच में गाड़ियों में रहता है, कोई भी गाड़ी हो बीच में जो हम्प रहता है, इसके अंदर पूरा फ्लैट बना दिया, पूरा फ्लैट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। और देख सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ है, सनरूफ में कोई दिक्कत आपको आई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, लीकेज वगैरह की ये मालना पड़ी है ना। हाँ जी, ये आदमपुर में अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज है बाईपास पे, उनके प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, तो वो उनका लड़का क्या मेरे साथ गुजरात रहते हैं, उसने स्पेशल कहा था भाई साहब आपकी गाड़ी लेके आना, फादर साहब को लेके आना है। अच्छा। ये फूल अभी भी पड़े हैं उसके। अच्छा अच्छा, ये उसने ये स्पेशल गाड़ी मंगवाई थी इसी के लिए। और एसी, एसी वगैरह सब ओके परफेक्ट है, परफेक्ट है हाँ। तो ये देख सकते हैं जो फुटरेस्ट है, वो जो बीच का हम्प नहीं है इसके अंदर, और जो टेलगेट है वो इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक है भाई साहब, आगे से भी, आगे से भी ओपन होता है, बंद भी होता है, और पीछे से ऑटोमेटिक है, तो ये देख सकते हैं पूरा ऊपर तक ओपन हो जाता है हाँ, कोई भी अगर सामान रखना चाहे तो इसके अंदर स्पेस वगैरह, ये स्पेस वगैरह तो ये नीचे तो इसका ये का सिस्टम सर, टूल किट वगैरह, या टूल किट हो गया ठीक है, यहाँ से थोड़ा वो स्टेपनी नीचे, इसका स्टेपनी क्या है नीचे दिया हुआ है हाँ, बाहर दे दिया स्टेपनी, ताकि इसमें स्पेस ना डाले कोई, सामान रखने के लिए परफेक्ट हाँ, ये पीछे भी कप होल्डर दे रखे है, चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, एसी कंट्रोल दे रखा है पीछे भी है पूरा, ये देख सकते हैं एसी वेंट यहाँ पे दे रखे हैं, जो ये दो सीटें हैं, ये दोनों सीटें मैंने डाउन कर रखी है, सेवन सीटर है गाड़ी, सेवन सीटर है, तो ये देख सकते अभी पूरा कप होल्डर, सेवन का तो फाइव बना दिया, फाइव का सेवन नहीं बना सकते। तो नॉर्मल गाड़ियों में ये जो हाइड्रोलिक है ये नहीं आता है, एकदम पतला सा आता है, कोई भी गाड़ी देख लो छड़ी आती है हाँ, एकदम छड़ी एक छड़ी आती है टाइप, तो इसके अंदर देख सकते हैं काफी ज्यादा जो हैवी है इसके अंदर लगा दिए गए हैं, और जो कवर भी दे रखा है उसके ऊपर हाँ, ताकि वो स्क्रैच वगैरह ना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो हाँ, स्क्रैच वगैरह पूरा ये देख सकते हैं, और इसको ये प्रेस करते ये बंद हो जाएगा, प्रेस करते ये आगे से भी होता है इसका कंट्रोल, ये देख सकते हैं, ये देख सकते, और इसमें 360 डिग्री कैमरा है, कैमरा भी है, कैमरे की क्वालिटी कैसी, कैमरे की वैसा बहुत टॉप क्वालिटी है, रात को भी है ना अगर इसकी लाइट से भी है ना पूरा दिखेगा आपको। अच्छा, एक कैमरा ये रहा, अभी क्या मेरे जेब में चाबी है, इसने सेंसर ले लिया हाँ।
ये सेंसर भी ऑटोमेटिक है, इसको रोक भी सकते हैं अपने यहाँ तक खोलना हो। अच्छा अच्छा, अभी अगर प्रेस करेंगे तो नीचे ही जाएगा जहाँ से रोका हुआ, ऊपर नहीं जाएगा ये। हाँ, ऊपर नहीं जाएगा। भी जितना रोकना उतना रोक सकते हैं। एक कैमरा ये पीछे आ गया, वो तो 360 डिग्री तो नॉर्मल सब में दे रखा है। हाँ। डिपेंड करता है क्वालिटी पे कैमरे की। हाँ, वही तो बात है। हाँ। क्वालिटी का रहता है मैन जो रहता है, क्योंकि महिंद्रा में देखा है मैंने तो उसके अंदर क्वालिटी है नहीं। इसमें ये फ्रंट कैमरा, ये फ्रंट का कैमरा, फ्रंट सेंसर भी है क्या इसके अंदर? बिल्कुल है। हाँ। तो ये देख सकते हैं ग्रिल, फ्रंट सेंसर, ये दोनों साइड है। तो हेडलाइट है इसकी कैसी है? थ्रो तो भाई साहब अच्छा ही है, बाकी मैनेज करने पे है। जैसे अगर इसमें टोटल 7 सवारी बैठेगी तो उसके हिसाब से कंट्रोल है 0, 1, 2, 3, 4 वाला। नहीं वैसे थ्रो, बाकी अगर देखना चाहे ना थ्रो है ना, आज के टाइम में जैसी चाहिए ना, अभी ज्यादा अगर अपने इसमें कह दे कि 300 वाट की दे दो। हाँ, हाँ। तो सामने वाले गाड़ी को तो कुछ नहीं दिखना। हाँ, वही रहता है। जितनी अपने जरूरत है ना। हाँ। उसके लिए परफेक्ट है। अच्छा, बस ये है आजकल हर एक गाड़ी में क्या व्हाइट लाइट दे रखी है। हाँ, व्हाइट लाइट है, जो कि इस मौसम में बहुत नुकसान है। नुकसान है क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, व्हाइट तो धुंध भी आ रखी है, कोरा व्हाइट ही है, उसके अंदर लाइट गुम होगी। अगर फोग लैंप भी अगर थोड़े से येलो दे देना तो थोड़ा सा भी सारा हो जाए, भी रोड वगैरह नीचे दिखे। येलो भी तो आते ही नहीं है, बंद ही कर दिए टोटल गाड़ियों में, एल्टो में भी बंद कर दिए। अभी तो बस कागज लगाओ पीले, बस बस वो है, रैपिंग करो, जैसे अपने कोई कपड़ा गिफ्ट पैक करते ना वैसे पैक कर दो सर्दी से। इसका अगर इसकी क्वालिटी दिखाना, कैमरे क्वालिटी देखना चाहो तो थोड़ा सा ये टाइमिंग लेगा। इसमें यूएसबी पोर्टेड भी दे रखे है दो, अगर अपने इसमें लगाओगे तो आपको ये मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड ऑटो हो जाएगा। हाँ। और इसमें ओनली चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा, कारप्ले भी कनेक्ट है। हाँ, कारप्ले कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट करके मैंने। अगर अपने कैमरा देखना चाहे तो आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हैं क्वालिटी, और जो 360 व्यू भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर रहेगा। अगर ये 2D में है, 3D में देखना चाहो आपकी पूरी गाड़ी दिखाएगा, काफी गाड़ी साइड में पत्थर भी दिखाएगा वो। हाँ, पूरा देख सकते हैं, पूरा दिखा रहा है जो आसपास साइड है तो वहाँ पे पूरा देख सकते हैं। और एक मैंने देखा है शायद XUV700, उसके डोर को अगर खोले तो उस साइड ब्लैक हो जाता है, इसके अंदर है नहीं। नहीं, ब्लैक नहीं होगा वो, तो देखो साइड मिरर पे कैमरा है। हाँ, हाँ। अगर कैमरा हिलेगा आपके मोबाइल का भी, अगर कैमरा नहीं उसमें तो वैसे ब्लैक हो जाता है, पता चल जाता है डोर खुला है। उसमें अगर बैक का रहेगा, बूट भी ओपन रहेगा तो उसमें ये देखो वैसे ऐसे होता है, अगर ये कैमरा अगर आपने खोल दिया ना, ये जहाँ पे कैमरे की नजर जाएगी ना। हाँ, हाँ। जैसे ये रोड दिख रही है, ये पीछे की बैक साइड रोड है ये। हाँ। ये जहाँ से कैमरा की फोकस रहेगा वहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया ये फ्रंट का कैमरा आपका, फ्रंट का, ठीक है। अब मिट्टी में पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। ये बैक कैमरा जो आपके पीछे वो स्कूटी खड़ी है पीछे, तो कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। रात को और भी क्लियर है, जैसे अपने मोबाइल के अंदर जो कैमरा आता है ना। हाँ, हाँ। उस हिसाब का कैमरा है इसके अंदर, टोटल दिखेगा इसमें। और एक जब मैंने ये फर्स्ट में गाड़ी स्टार्ट की थी शोरूम के अंदर, तो मेरे को यूं लगा इस गाड़ी में फॉल्ट है, लेकिन वो था नहीं। स्टार्ट करते तब इसमें इंजन की आवाज आती है, जैसे को मतलब काम करवाना होगा। हाँ, हाँ, मैंने अभी स्टार्ट किया था, आपने देखा था मैंने। हाँ, तो उसमें क्या फैन डबल है इसमें। अच्छा, अगर दो फैन चलेंगे तो आवाज तो बेसिकली आएगी। इसमें 2.0 इंजन है। हाँ, 2.0 हाँ, भी डीजल की गाड़ी बेसिकली तो कोई भी ले लो। हाँ, आवाज करेगी, लेकिन इसमें क्या एक स्टार्टअप आवाज है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा आती है, थोड़ी सी ज्यादा। हाँ, फैन डबल हो गया इसके अंदर उस हिसाब से। बाकी चलाने में बहुत अच्छी है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर आपको अपने राउंड लेके आते हैं, देखो थकावट नहीं है, आप जैसे मर्जी सीट ऊपर नीचे करो। मैं पहले वो नीचे आता था पाइप टाइप में, उसको खींचो। बोतल होल्डर 1 लीटर का है या आधा लीटर का है? ना, ये 2 लीटर तक है। 2 लीटर तक है। हाँ, पूरी आ जाती है 2 लीटर? हाँ, बिल्कुल 2 लीटर पूरी आती है। ये पिकअप इसका पूरा है, काफी अच्छा है। हाँ। ये अभी क्या रोड ऐसा ही है, अगर हाईवे पे अगर चलाए ना आपने। हाँ। ये तो है नहीं, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियों के हिसाब से इतना तो है नहीं, इंजन के हिसाब से बहुत अच्छा पिकअप है ये। हाँ, काफी अच्छा पिकअप है। हाँ। ये ब्रेक सिस्टम है, ब्रेक भी काफी ज्यादा, कंट्रोल बहुत जबरदस्त है इसके अंदर। हाँ। अभी क्या आपने रोड है टेडी मेडी, उस हिसाब से नहीं ब्रेक लगा सकते। हाँ। बाकी मैंने क्या
फर्स्ट डे जब आए थे ना लेके वहाँ से गाड़ी, हाँ जी, वहाँ पे मैंने सबसे पहले ये चेक किया था, अपने गाड़ी तो लंबी लेके जा रहे हैं, पहले इसका कंट्रोल तो देख लें। हाँ। उससे पहले गाड़ी यूज ही नहीं की हुई थी। अच्छा, यही नहीं पता, हकीकत बताऊँ एमजी के अंदर मैंने शोरूम में जब डेमो कार देखी थी ना उसके अंदर बैठा हुआ, मैं बैठा ही नहीं हुआ था। अच्छा, टेस्ट ड्राइव लिया था? हाँ, टेस्ट ड्राइव लिया था। टेस्ट ड्राइव देने सर्विस बहुत अच्छी है एमजी वालों की। मैंने कम से कम 8 से 10 बार बुलाया था उनको टेस्ट ड्राइव के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा भाई सब इतना नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से 15 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर वो वहीं पे गाड़ी लेके आए थे। एक मिनट मुझे ड्राइव करना है। हाँ बिल्कुल आइए। सिक्स गियर में है, अभी थर्ड गियर है। अच्छा, वो यहाँ पे सिक्स गियर, ये रिवर्स गियर आ गया। तो दोस्तों काफी ज्यादा जो इसकी आप बोल सकते हैं पावर है, काफी ज्यादा है इसके अंदर है पावर है। जो ट्रक आता है ना बाइक का घोड़ा जिसको बोलते हैं अपने, अगर आप एक घोड़े के ड्राइवर को इसके अंदर बिठाओगे ना, वो यही कहेगा भाई साहब बस इसके अंदर गियर आसान लगते हैं, बाकी सब घोड़ा ही है। तो मेरा क्या है कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, वे ड्राइवरों का क्या शौक होता है, गाड़ी नई होगी इसमें गाड़ी खड़ी देखिए सर ट्राई करने दो, ट्राई करो, वो कहते हैं भाई साहब बस इसके अंदर गियर आसान लगते हैं बाकी घोड़ा ही है। बैठने में भी हाइट है इसकी पूरी, हैवी गाड़ी, आगे पूरा बोनट भी दिखाई देता है, बोनट पूरा दिखेगा आपको, इसका पूरा दिखाई देता है, जो मतलब ऐसे रहता है कोई अनजान जो नया नया ड्राइवर होता है वो भी बड़ी आसानी से इसको चला सकता है। हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं उसको। अभी जैसे कई बार होता है अपने कोई फाटक बंद मिल रहा हो या कोई बाजार में जाम है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको साइड में कोई बाइक वाला ना खड़ा हो या कोई गाड़ी बिल्कुल नजदीक ना हो। अभी अपने को मुड़ना है जैसे कहीं भी, तो आप एक बार इंडिकेटर चालू करो अपना, ये अपने को गाड़ी पोजीशन दिखा देगा कहाँ पे गाड़ी खड़ी है, अपने आसपास में क्या है इसके क्या नहीं है, सब चीज इसके अंदर आएगी, पूरा इसके अंदर दिखा रहा है। फ्रंट कैमरे से अगर आपको बिल्कुल साइड में से देखना चाहो तो साइड में ये अभी ड्राइवर साइड का दिखा रहा है, जैसे उधर का इंडिकेटर चालू है। अब अगर इधर का इंडिकेटर चालू करोगे तो आपका इधर का दिखाएगा 2D में, ये अभी इधर का लेफ्ट साइड में चालू है, ठीक है। 3D देखना चाहो अपनी गाड़ी कहाँ से निकल रही है, अब इधर मुड़ना चाहेंगे तो उधर का ही दिखाएगा। अच्छा अच्छा, तो और इसके अंदर है ऑटो टर्न इंडिकेटर है। हाँ, ऑटो टर्न इंडिकेटर, स्टीयरिंग जिधर घुमाओगे ना एक राउंड होगा ना। हाँ। मतलब हाफ राउंड के बाद, यू नहीं है कि अपने हाईवे पे जा रहे हैं हल्का सा मोड़ लिया इंडिकेटर चालू गया, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर अपने हाफ राउंड दे दिया ना, हाँ, वहाँ पे इंडिकेटर जिस साइड भी राउंड दोगे उस साइड इंडिकेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि अभी मैंने देखा था जिस साइड मुड़ेंगे उस साइड इंडिकेटर। हाँ, ऑटोमेटिक इंडिकेटर है स्टीयरिंग पे बेस में। तो पावर कभी चेक किया कच्चे रास्ते में आपने? भाई साहब पावर के मामले में आपको अगर ये रेटिंग लेना चाहो ना मेरे से 10 की, तो मैं इसको 6 दूंगा। 6? हाँ, कच्चे में। कच्चे में? हाँ, ये क्या 4x4 नहीं है, 4x2 है। हाँ, 4x2 है। हाँ, कच्चे में एक दो बार के मैंने ट्राई नहीं किया, मैं इंसिडेंटली फंस चुका हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? निकल जाती है गाड़ी, ये नहीं है कि टोय करनी पड़ेगी या धक्का देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार अगर फंस जाती है ना तो वो फंस ही गई। अच्छा, फिर उसमें अगर जोर मराने पे अपने कल्च प्लेट का भी नुकसान हो सकता है, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, वो बात है। मजे तब आए जैसे अब कच्चे में से अगर अपने को जाड़ना पड़े तो निकल जाए। हाँ, एक दो ट्राई में निकल जाए, उसमें क्या अब 10 आदमी इकट्ठा होने के बाद निकले वो मजा नहीं है, वो मजा नहीं है। क्योंकि मैंने, मेरे पास अभी एक्सप्रेस है मारुति की, तो उसको काफी टेस्ट की है, क्योंकि मैं इस रास्ते, ये पहले कच्चा था रास्ता आपको पता है, तो मैं गोगामेडी जाते थे, तो गोगामेडी जाते टाइम में सामने जो बैलगाड़ी आती है वो आते है ना, साइड देनी पड़ती है, उसको साइड मैं खुद देता था, उनसे साइड नहीं लेता था, क्योंकि साइड में काफी अगर टिल्ले भी रहेंगे रेत के तो उसके ऊपर से आराम से निकल जाते। ऐसा ही था, ये रोड को इग्नोर करके अपने ये देख लो ये रास्ता था साइड का, तो हाँ, तो ये नहीं, उस साइड से निकलता है ना जो टेढ़ा रास्ता, उस साइड टिल्ले भी है। अच्छा, तो उस साइड में मैं खुद देता था उनको साइड, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की गाड़ी है वो, पेट्रोल की डीजल में डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बेनिफिट ये है जो टायर का साइज बड़ा है। हाँ। फंसने की आशंका कम है, लेकिन फंस जाती है ना थोड़ी सी दिक्कत देती है। हाँ।
मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मेरे पास ये गाड़ी तो मैं तारीफ ही तारीफ करूँ। कस्टमर और आपकी वीडियो देख के बहुत से कस्टमर उत्तेजित भी होंगे गाड़ी लेने के लिए। वही तो रहता ना, रीजन यही रहता है वीडियो का भी, आपको देख के वो देखेंगे यार इसमें तो बहुत अच्छा काम है। वो गाड़ी लेने के बाद ये कहेंगे यार पैसा ने तो पागल बनाया। वो नेगेटिव पॉइंट भी पता नहीं चलना चाहिए आपके व्यूअर्स को जो भी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे भी हम ऐसी वीडियो गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।